कॉमर्स कंपनियों द्वारा बड़े डिस्काउंट और ऑफर्स देने के मामले में वाणिज्य मंत्रालय ने अमेज़न और फ्लिपकार्ट उनके प्लेटफॉर्म के 5 शीर्ष सेलर्स के नाम, पसंदीदा वेंडर्स के उत्पादों का मूल्य और सेलर्स को दिए जाने वाले सपोर्ट के बारे में जानकारी मांगी है। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने दोनों कंपनियों को कुछ सवाल भेजे हैं, जिसमें उनसे उनका कैपिटल स्ट्रक्चर, बिजनेस मॉडल और इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम शेयर करने को कहा गया है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी CAIT लगातार शिकायत दर्ज करा रहा था कि ये कंपनियां मेगा फेस्टिव सेल के बहाने विदेशी निवेश की नीतियों का उल्लंघन कर रही हैं। इन शिकायतों को ध्यान में रखते हुए DPIIT ने कंपनियों से जवाब मांगा है। इसमें कंपनियों से पूछा गया है कि उनके प्लेटफॉर्म पर कुल कितने सेलर्स लिस्टेड हैं, कंपनी के कंट्रोल में कितने सेलर्स आते हैं और कितने कंट्रोल से बाहर हैं और उनका शेयर क्या है, प्राथमिकता वाले वेंडर्स के लिए डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेल प्राइस लिस्ट क्या है और शीर्ष 5 सेलर्स से होने वाली कुल सेल में किस सेलर की कितनी हिस्सेदारी है। पेमेंट गेटवेज से संबंध के बारे में भी अमेज़न फ्लिपकार्ट से जवाब मांगा गया है। मौजूदा FDI पॉलिसी के मुताबिक ई कॉमर्स के मार्केट प्लेस मॉडल में 100% विदेशी निवेश की अनुमति है, लेकिन ये अनुमति इन्वेंट्री आधारित मॉडल के लिए नहीं है। ऑनलाइन कंपनियां किसी भी तरीके से अपने प्लेटफॉर्म पर बिकने वाले उत्पादों की कीमतों को प्रभावित नहीं कर सकती हैं। नियमों का उल्लंघन करके डिस्काउंट देने के मामले में दोनों कंपनियों का कहना है कि वे अपनी तरफ से डिस्काउंट नहीं देती हैं, बल्कि ब्रांड से डिस्काउंट ऑफर करते हैं। कंसल्टेंसी फर्म रेटशीट के मुताबिक ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स की फेस्टिव सेल में से 39,000 करोड़ रुपए की सेल होने की उम्मीद है। रेटशीट कंसल्टिंग के फाउंडर और CEO अनिल कुमार के मुताबिक ऑनलाइन शॉपिंग के प्रति लोगों का रुझान बना हुआ है, अर्थव्यवस्था में छाई सुस्ती का इस पर ज्यादा असर नहीं पड़ रहा है। इस साल की सेल में न सिर्फ बड़े शहरों के ग्राहकों ने खरीदारी की, बल्कि ग्रामीण इलाकों और Tier 1 और Tier 2 शहरों में रहने वाले लोगों ने भी ऑनलाइन शॉपिंग का लुत्फ उठाया।